फादर साहब हमारे ऑटो चलाते थे, फिर वो घर से ही एक दिन 80 पराठे बना के ले गए थे कस्टमरों की वजह से। मूलचंद पराठा नाम पड़ गया दुकान का। काफी घरों के ब्रेकफास्ट में ज्यादातर इसे अचार, चाय और मक्खन के साथ बहुत एंजॉय किया जाता है। इट्स नन अदर देन अ पराठा। रियली अमेजिंग। लोग खिलाते हैं पैसों के लिए, हम दिल से खिलाते हैं। द गरम गरम पराठा एंड देन द बटर ऑन इट मेक्स इट वेरी गुड। स्टोरीज फ्रॉम भारत के आज के एपिसोड में हम जानेंगे एक ऐसे पराठा शॉप के बारे में जिनके फैन है खुद दिल्ली बॉय शाहरुख खान, लेकिन इस एपिसोड के हीरो हैं मूलचंद पराठास। कॉफी थाली का रुपया थाली, कॉफी थाली का रुपया थाली शिवाजी। मेरा नाम निशांत खट्टर है, मैं मूलचंद पराठा गुरुग्राम अपने छोटे भाई के साथ मिलकर चलाता हूँ। पांचों भाई इसी बिजनेस में है, 3 भाई हमारे दिल्ली संभालते हैं, 2 हम यहाँ संभालते हैं। मूलचंद जगह का नाम है, वहाँ पे हमने पराठा शुरू करा था तो वो अखबार में आने लग गया था मूलचंद पराठा। उस टाइम हम ही होते थे, आसपास होता नहीं था कोई, ऐसे ही कस्टमरों ने ही नाम रखा मूलचंद पराठा। शाहरुख खान जब तक एक्टर नहीं बना था तो हमने भी सुना ही है कि वो वहीं पे बैठ के ना हमारे पराठे खाता था, चाय पीता था, हमने अपने बड़ों से सुना है। पर एक्टर बनने के बाद वो एक ही बार आया है, पर हमने कस्टमरों से सुना है और यूट्यूब पर भी देखा है कि वो कई बार इंटरव्यू होता है तो दिल्ली की बात आती है तो हमारी दुकान का नाम जरूर लेता है। शाहरुख खान अपने बॉलीवुड डेब्यू से पहले अपने फ्रेंड्स के साथ अक्सर यहाँ आते थे और मूलचंद के पराठे के साथ चाय तो उनका फेवरेट कॉम्बो था। बीइंग एन एसआर के फैन, आई हैड टू ट्राई दिस कॉम्बो, आलू पराठा एंड कुल्हड़ चाय। पहले वहाँ पर फादर साहब हमारे ऑटो चलाते थे जहाँ तक हमने सुना है, फिर वो घर से ही एक दिन 80 पराठे बना के ले गए थे और मैं बहुत छोटा था जब मेरे फादर साहब की डेथ हो गई। मेरे फादर साहब पहले उधर पराठे पे ही तीनों भाई करते थे, फिर सामने मेरे फादर साहब ने अपनी चाय की दुकान लगाई थी और हमें पता भी नहीं कि वो कैसे थे। हम तो जैसे कोई पुराना बंदा हो गया, या मम्मी हमें बताती है या हमारी दुकान के कुछ ऐसे पुराने लेबर है उस टाइम के, जो आज भी एक लेबर तो हमारी गुड़गांव में भी है, मेरे पापा के पास उस टाइम काम करती थी जब वो बहुत छोटी होती थी, वो हमारे पापा के बारे में हमें बताते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है सुन के। थोड़ा हमने अपने फादर साहब को ध्यान से देखा भी नहीं, हमें ये भी याद नहीं है कि आखिरी बार हमने उनसे क्या बात करी थी, तो हम अपने फादर साहब को थोड़ा खुश करना चाहते हैं। ये दुकान भी हमने आप देखोगे तो ओम फूड्स के नाम से खोली है, ओम प्रकाश खट्टर मेरे फादर साहब का नाम था, और जितनी हम दुकानें खोलेंगे जितना भी करेंगे अपने फादर साहब और मदर के नाम पर ही करेंगे। वहाँ तो हमारे बड़े भाई सब कुछ देखते हैं, दो दो भाई है, तीन तीन भाई है, तो सब वही देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उन्होंने ही सारा कराया। 4 दुकानें हो गई है, पहले रेडी लगाते थे हम तो सारा कुछ वही संभालते हैं। यहाँ पे हमारा अभी 2.5 साल हुआ है तो यहाँ हम अपना पूरी कोशिश करते हैं। आज तक 2.5 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि हम दोनों में से एक भी यहाँ पे ना हो। अगर मैं नहीं हूँ तो छोटा वाला भाई होता है, छोटा वाला नहीं तो मैं होता हूँ। मेरे को तो ऐसे कि नहीं करना था, पर मैं दुकान जाने लगा मूलचंद, फिर वहाँ से धीरे 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 मेरा छोटा भाई भी कालका जी संभालने लगा। ये कालका जी संभालता था, मैं मूलचंद देखता था, काउंटर संभालता था, ये सुबह जाता था, मैं शाम को जाता था। बाकी चैलेंजेस बहुत है और कामों में भी होंगे, हमने और काम करे नहीं। फूड में इसलिए आता है, पहले तो लेबर का दिक्कत है, लेबर के बाद हम ये तो नहीं कहते हम मार्केट में सबसे बेस्ट बेच रहे हैं, पर हाँ हमने कस्टमरों के मुंह से ही सुना है कि तुम सबसे अच्छा बेच रहे हो और सबसे सस्ता बेच रहे हो। पर फिर भी कई बार कस्टमर, जैसे हम खाली है और कहीं भीड़ है तो वो वहीं जाता है क्योंकि वो पहले से बैठे हुए हैं, और कस्टमर ये सोचता है कि यार छोटी सी दुकान होगी इसमें क्या होगा है? तो ये चीज़ डील करनी है, बहुत चैलेंजिंग हो जाता है हमारे लिए कि कस्टमर को बिठाना, फिर दोबारा रिपीट कस्टमर को लाना। जब भी जैसे सर्दी का मौसम होता है तो बहुत मन करता है कि कुछ बटर वाला फील, मतलब कि मजा आ जाता है इनका इतना गरम गरम पराठा एंड देन द बटर ऑन इट मेक्स इट वेरी गुड। टुडे वी आर हैविंग अ कुल्हड़ चाय एंड वी हैव सम आलू प्याज पराठा टुडे। काफ़ी टाइम हो गया हमें तो, हम यहाँ पे ही रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं, पनीर पराठा मतलब सारे ही बेस्ट हैं।
हमने यहाँ बहुत कस्टमर अपने बनाए हैं और जितने भी मेरे कस्टमर यहाँ पे बने हैं सबसे एज अ घर वाला रिलेशन है। कस्टमरों की तरह हमने आज तक भी अपने किसी कस्टमर को नहीं खिलाया, ऐसे खिलाया जैसे हम अपने घर के बंदों को खिला रहे हैं। खासियत ये है, अभी आपने पराठा खा के ही देखा होगा, हमारा लोग खिलाते हैं पैसों के लिए, हम दिल से खिलाते हैं। और अगर हमारे पराठे में कोई भी दिक्कत है, चाहे आप 10 बार चेंज करा लीजिए, हम 10 बार आपको चेंज करके देंगे, हम रोकेंगे नहीं। अभी तक के हमारे 4 आउटलेट हैं, सबसे पहले तो मूलचंद मेट्रो स्टेशन लाजपत नगर 4, उसके बाद था कालका जी, उसके बाद ये हमने खोला है गुड़गांव गुरुग्राम सेक्टर 14, उसके बाद पटेल नगर खुला है। पहले सबसे पूरी रात खुलता था मूलचंद ही, फिर वो 2 बजे तक करा, फिर वो 11 बजे तक हो गया है, और कालका जी वाला पहले पूरी रात खुलता था, अब वो 3 बजे तक हो गया है। बहुत क्राउड आता था और आज भी ऐसा कहते हैं वहाँ कि अगर आज भी हम वहाँ पे तवा जला लेंगे ना तो हमें टाइम नहीं मिलेगा। बड़े थे वो ये कहते थे कि शम्मा जलेगी तो परवाने आएंगे। 1975 में एक रेडी से शुरुआत करते हुए आज ये साउथ दिल्ली के पराठा किंग बन चुके हैं, और इनके पराठों का स्वाद तो शाहरुख खान को भी अपना फैन बनाता है। स्टोरीज फ्रॉम भारत का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद अनदर इंस्पायरिंग स्टोरी।